तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक ख़त्म कर दिया था कि आपको ये बताया था कि कैसे क्या वर्क करेगा, मगर अब इस वीडियो से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इस एडस्टेरा की, तो सबसे पहले मैं इसको आपको लेके चलता हूँ, तब जाकर आपको इसमें क्लियर समझ में आएगा कि इसमें चल क्या रहा है, तो करना क्या है, अर्निंग कैसे करनी है, कैसे अर्न होता है, सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ अपने एडस्टेरा में। तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ में आपको एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ देखने मिलती हैं। फर्स्ट, पहली चीज़ एडवर्टाइजर अकाउंट, दूसरा होता है पब्लिशर अकाउंट। एडवर्टाइजर की अगर बात करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, एडवर्टाइजर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी चीज़ को एडवर्टाइज करना चाहता है, मतलब जी हाँ, यहाँ पे आपको अर्निंग करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको पैसे देने हैं, किसके लिए देने हैं, जो एड्स को आपको प्रमोट करना है मार्केट पे। तो सीधा समझिए कि अगर मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ, किसी चीज़ प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मैं उस चीज़ को बेचना चाहता हूँ मार्केट में, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाऊँगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जो लोग एड्स को यहाँ वहाँ प्रमोट करते हैं, लोगों तक द्वारा तक पहुँचाते हैं कि आप इसको खरीदिए, इस चीज़ को या अपनी वेबसाइट में लगाते हैं या अपने पेज में लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं पब्लिशर अकाउंट। तो अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको पब्लिशर ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि एड्स एज अ पब्लिशर ही मैं यहाँ पे ओके करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अर्निंग करता हूँ और इस एड को अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग पेज में लगाता हूँ ताकि वहाँ पे एड्स आएँ और लोगों के द्वारा देखे जाएँ और उसी से मुझे अर्निंग होती है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिए। एज अ पब्लिशर अकाउंट में आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप एज अ पब्लिशर अकाउंट में क्लिक करेंगे, कौन से, मैंने अभी एडस्टेरा के किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये बैलेंस है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है, ये देखिए $0.06, बट इसकी अर्निंग उतनी बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं सारा चीज़ क्लियर करूँगा, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो को बनाया है कि अभी यहाँ पे अर्निंग उतनी बेस्ट क्यों नहीं है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि अगर आप इसमें भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं एडस्टेरा में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मैं सीधा लिंक अवेलेबल कर दे रहा हूँ ताकि आप इजीली यहां से क्या कर सकें, यहां से आप सीधा आप अपना भी अकाउंट बना सकें और आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिंक आपको दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करिए और सीधा आप इसी से लॉगिन करिए। ये मैंने सबसे पहले आपको अपना एडस्टेरा अकाउंट दिखाया और उसका मैं डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपने एडस्टेरा अकाउंट का डैशबोर्ड खोलता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक्स दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा स्टैटिक्स है और ये है वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स में जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वेबसाइट्स पे ऑप्शन में, तो ऊपर आपको यहाँ पे बैलेंस शो करेगा, ये देखिए बैलेंस, और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मेट्स शो करेंगे जो कि अभी आपको नहीं टच करने हैं, उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये देखिए यहां पे ये सारी वेबसाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी वेबसाइट्स नहीं है, ये ब्लॉग पेज हैं। आप चाहे तो वेबसाइट्स भी यहां पे आप ऐड कर सकते हैं और चाहे तो ब्लॉग भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह का इंटरनेट में अगर आपका पेज है तो आप यहां पे अपना अप्रूव्ड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर द एग्जांपल दिखाऊं, यहां पे मैंने यहां पे लिखा शेड्यूल एयरपोर्ट blogspot.com, यहां पे देखिए ये चीज अप्रूव्ड है, तो मैं यहां पे ऑल कोड्स देख रहे हैं, यहां पे आप मैंने ऑल कोड्स पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने ऑल कोड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए गेट कोड्स लिखा है और यहाँ पे साइज़ कितनी है वो भी यहाँ पे दी है। तो गेट कोड्स में मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने गेट कोड्स में क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे कॉपी किया, Ctrl+C। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, Ctrl+C किया मैंने। अब मैं एज इट इज़ जो मैंने ये ब्लॉग बनाया है, किस नाम का बनाया है ब्लॉग, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है shahdolairportblogspot.com। इस चीज़ को मैं लेकर अब कहाँ पे जा रहा हूँ, अपने उस ब्लॉग पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने इस चीज़ को बना के रखा है। तो ये देखिए मैंने बना के रखा है शेड्यूल एयरपोर्ट बना के रखा है। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पे मैं अपने लेआउट्स में जाऊँगा, और जैसे ही मैं लेआउट्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करूँगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप गौर करिएगा कब हम जाके उसमें एड्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको जैसे ही लेकर आया तो आप देखिए यहाँ पे साइड में ये गैजेट्स दिख रहा है, इस गैजेट्स में मैंने क्लिक किया और इस गैजेट्स में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या किया, HTML JavaScript का फंक्शन चूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो JavaScript का कोड है। तो JavaScript का कोड क्योंकि मैं एक्चुअली मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैं मतलब मेरा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैं IT फील्ड CS फील्ड से हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे सब चीज़ का नॉलेज है, इसलिए मुझे ये ईजी पड़ता है। बट मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा पाऊँगा, आपको सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है इस चीज़ को, ये JavaScript
यहाँ पे इंप्लीमेंट है। अब इसको सेव करना है, जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, व्यू योर ब्लॉग। व्यू योर ब्लॉग में आप जाएंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप व्यू और ब्लॉग में जाते हैं तो यहाँ पे आपने जो ऐड लगाया है वो ऐड शो हो रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, ये शो हो रहा है एड्स। तो ये जो ऐड शो हो रहा है इसी में लोग अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आप देखिए क्लिक कर दिया, जैसे मैं इसमें क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये देखिए ओपन हो गया ये गेम। तो इसी तरह से लोग यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तब जाके इसमें क्या होगा, मुझे अर्निंग मिलेगी। तो ये देखिए, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को जैसे ये एड्स अब आया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मैं ये जो लिंक है इसको भी मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ, और अदरवाइज आप सीधा गूगल पे लिखिए शहडोल एयरपोर्ट .blogspot.com। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SHAHDOL एयरपोर्ट .blogspot.com, और उसको सर्च कीजिए, तब आपको सीधा ये आपको इस तरह से दिखेगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा प्रैक्टिकली कि कैसे यहाँ पे एड्स को लाया जाता है और कैसे इस चीज़ को किसे अर्निंग किया जाता है। अब बात आएगी अर्निंग की, अर्निंग कैसे होगी। तो जितने लोग हमारे इस पेज पे आएंगे और देखेंगे तो इस पे भी नज़र जाएगी, उसमें क्लिक करेंगे तो जैसे ये क्लिक करते हैं, देखिए एक्चुअली तो वैसे तीन तरह की चीज़ मॉड्यूल चलती है, CPC काउंट पर क्लिक, और CPVM काउंट पर थाउजेंड्स इंप्रेशंस, एंड CPR काउंट पर मुझे ये कुछ उतना क्लियर याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। CPC CRP ऐसा ऐसी कुछ है, तो मैं क्लियर कर दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, बट इतना चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ में कि आपको इतना चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि जब इसमें कोई भी एडवर्टाइज़र, ये जो गेम बनाया है कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे उसने क्या किया है, आपको एडवर्टाइजमेंट मतलब खुद कर रहा है, वो उसके पैसे कट रहे हैं, तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं तो वो पैसे जो कटेंगे वो हमको मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, इसीलिए हम इस चीज़ को ध्यान देकर मैंने इस वीडियो पे इस चीज़ को कराया। बट इस चीज़ का एक बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ कि अभी मैंने एडस्टेरा को यहाँ पे यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? एडस्टेरा प्लेटफॉर्म को। मैंने आपको बोला था कि मैं एडसेंस क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि एडसेंस, ये देखिए यहाँ पे मेरी अर्निंग भी पड़ी है $4.49 की, ये बहुत पहले की अर्निंग पड़ी है, क्योंकि इसमें मैं काम रोक दिया हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, उसमें भी आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन कराना पड़ता है, बहुत देर तक पेंडिंग रहती है, काफ़ी दिन तक काम करो फिर पेंडिंग अप्रूवल के लिए रुको। अभी आपने देखा कि इसमें अगर मैं बात करूं, अब जिसमें जो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूं उसमें आधे एक घंटे में आपको पेंडिंग, उसमें आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूव्ड हो जाती है आपकी चीज़ें। मगर एडसेंस की बात करें तो बहुत सारी इसकी चीज़ों को अपने को क्लियर आउट करना पड़ता है, वो भी जाता है, ऐसा नहीं कि होता कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा सा उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्लस सबसे पहले सेकंड चीज़ उसमें एक चीज़ और है कि आपको डोमेन नेम वहाँ पे परचेस करना पड़ता है। अगर आपका डोमेन नेम परचेस करेंगे तो कम से कम आपको 400 से 500 रुपये कम से कम सालाना आपको देना ही पड़ेगा, 700 रुपये एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो 700 रुपये आपके फालतू खर्च हो जाएंगे और आपको वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई यूज़र नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट चले या ना चले, वो पेज चले ना चले, आपका पूरे 700 रुपये भी गए। अगर चलो आ गए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर कवर हो गया। बट इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि बहुत चीज़ अपने को सोच समझ के चलना पड़ता है। सेकंड चीज़ उसमें अप्रूव कराने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ पे आपको वेब होस्टिंग भी खरीदनी पड़ती है, जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वेब होस्टिंग के लिए, उसमें पैसे काफ़ी लगते हैं। तो ये सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको इतना ट्रैफिक भी चाहिए, अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आपको लॉस ही लॉस होने वाला है। तो इसीलिए मैं इस सब चीज़ को, जो दिक्कतें हैं इस मार्केट को काट के, मैंने सीधा आपके लिए एक पाथ बना दिया है कि आप कैसे वहां से अर्न कर सकते, फ्री रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। कमा पाए तो ठीक है, नहीं कमा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी अपन लोग ब्लॉग बना लेते हैं, तीसरी वेबसाइट बना लेते हैं, या फिर कोई अदर कंटेंट पे अपने लोग ने ब्लॉग बना लिया, उसको डिलीट कर दिया, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है बड़ा सा। बट इस चीज़ को आप क्लियर समझिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पॉप एड्स की बात करूंगा, और ये एड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आने वाली वीडियोस में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ बताऊंगा कि एडस्टेरा में कैसे ऐड पेस्ट करना है, कैसे ऐड बनाना है, ऐड लगाना है, कैसे अप्रूव्ड कराना है, सारा चीज़ एक एक करके बताऊंगा। सारा वीडियो में, एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं कर सकता, तो मुझे आप बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक एक करके आपको सारी वीडियोज़ को कंप्लीट एक वे में आपको बताऊंगा, ताकि आप भी मेरी तरह से अर्निंग कर सकें। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अर्निंग कीजिए, एटलीस्ट आपको नॉलेज हो इस चीज़ का। मैं किसी को ये भी नहीं बोलता कि आप अर्न करो नहीं करो, ये आपकी डिपेंडेंसी है, आपकी थिंकिंग है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो में अगर पसंद आया तो जरूर नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।